हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में आप जो कुछ भी डिफाइन करें, चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे वो कोई एरे हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई बूलियन हो, सब के लिए एक बूलियन वैल्यू होती है। जी हाँ, अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वो भी ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट, एरे, इस तरीके की कोई चीज़ लिख दें तो वो भी ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। इन्हीं वैल्यूज़ को हम कहते हैं ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज़। कुछ वेरिएबल्स, कुछ एलिमेंट्स जो हम डिफाइन करते हैं वो ट्रू रिटर्न करते हैं और वो उस कैटेगरी में जाते हैं ट्रूथी वैल्यूज़ की कैटेगरी में, और कुछ एलिमेंट्स वो है जो फॉल्स रिटर्न करते हैं और उन्हें हम रखते हैं फॉल्सी वैल्यूज़ की कैटेगरी में। तो हम देखते हैं कि किस किस तरीके से हम क्या चीज़ें डिफाइन करते हैं और वो क्या क्या चीज़ें रिटर्न करते हैं, या वो ट्रू रिटर्न करते हैं क्या वो फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ हमारे कोर एडिटर पे, और सबसे पहले ट्रूथी फॉल्सी में जाने से पहले मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपको पता ही है, जिस तरीके से हम इक्वल टू लगाते थे कि एक वैल्यू है उसको दूसरी वैल्यू से कंपेयर कर दो, अगर वो इक्वल आ जाती है तो भाई रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। जावास्क्रिप्ट और आगे जाता है। जावास्क्रिप्ट में दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास में मिलते हैं। अब वो दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से हैं? सबसे पहली बात मैं करूंगा डबल इक्वल टू की। डबल इक्वल्स कह देते हैं इसको हम, राइट, डबल इक्वल्स। और दूसरी चीज होती है हमारे पास ट्रिपल इक्वल्स। अब ये दोनों काम कैसे करते हैं ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं डबल इक्वल में जाता हूँ। मैं सपोज एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट चेक नाम से, और उस चेक में मैं कहता हूँ टू इक्वल टू इक्वल टू टू। ठीक है, तो ये तो आप देख सकते हैं कि टू इक्वल टू इक्वल टू टू, तो ये जो है बेसिकली रिटर्न हमें क्या करना चाहिए, ट्रू ही रिटर्न करना चाहिए क्योंकि ये तो सेम है। रन करते हैं। ओ, हमने कंसोल लॉग तो किया नहीं, इसको कंसोल लॉग कर लेते हैं। चेक, राइट, तो ये हमने कर दिया इसको रन, और आप देख सकते हैं कि क्या रिटर्न कर रहा है। इसको मैं क्लियर करके आपको दिखाऊंगा आउटपुट। ये हमने इसको क्लियर किया और ये हमने इसको कर दिया रन। आप देख सकते हैं ये सिंपली आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली टू तो इक्वल टू के आएगा ही आएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग के अंदर रख दूं? क्या होगा अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग के अंदर रख दूं और अब इस कोड को रन करूं? अब भी ये ट्रू ही रिटर्न कर रहा है। आपने देखा कि एक तरफ मैंने एक नंबर पास किया हुआ है और एक तरफ मैंने एक स्ट्रिंग में टू को डाल के पास किया हुआ है, लेकिन अभी भी वो ट्रू ही रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे बात आती है टाइप कोअर्जन, टाइप कन्वर्जन, इन सारी चीज़ों की, लेकिन हम अभी उतनी डिटेल में गए नहीं हैं उन टॉपिक्स के। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन अगर इस बात का दूँ, तो जब आप डबल इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट इंजन आपके यहाँ वैल्यूज़ जो हैं वो सिर्फ उनको देख रहा है, वो उनके टाइप को नहीं देख रहा, राइट? अगर यहाँ आप देखें तो टू और टू, अगर इनकी वैल्यूज़ को ही हम सिर्फ कंपेयर करें तो वैल्यूज़ इनकी क्या है, सेम है, इसलिए वहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा है, ट्रू। ये इनके टाइप चेकिंग नहीं कर रहा, यहाँ पर टाइप चेकिंग नहीं हो रही है, इसलिए हम डबल इक्वल्स टू को कहते हैं लूज कंपेरिजन ऑपरेटर्स, राइट? ये कंपैरिजन तो करते हैं लेकिन लूज कंपैरिजन करते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन नहीं है ये। अब देखते हैं ट्रिपल इक्वल टू किस तरीके से बिहेव करता है। तो मैं इसी कोड को ट्रिपल इक्वल टू के लिए लिखता हूँ। तो मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और इस कोड को यहाँ लाकर ट्रिपल इक्वल टू के लिए लिखता हूँ, राइट? सेम कोड विथ ट्रिपल इक्वल टू, ये हमें करना है। तो अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं प्लस कहाँ ऐड हो गया यार, ट्रिपल इक्वल टू किया था मैंने। ओके, तो ये किया हमने और इस कोड का रन करते हैं। अब आप देख सकेंगे, ओके, चेक दो बार डिफाइंड है, चेक दो बार डिफाइंड नहीं कर सकते हम, तो चेक टू कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है, चेक टू, और ये रन किया हमने। और यहाँ आप देख सकते हैं एक के लिए ट्रू रिटर्न हुआ, किसके लिए, डबल इक्वल टू के लिए ट्रू रिटर्न हुआ, लेकिन जो हमने फिर से डिफाइन किया ना इसको ट्रिपल इक्वल टू के साथ, वहाँ ये क्या रिटर्न हो रहा है, वहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो बेसिकली हुआ क्या होगा,
हुआ ये होगा कि यहाँ जब ट्रिपल इक्वल टू हमने यूज़ किया तो यहाँ पर टाइप के लिए भी चेक हुआ और यहाँ पर वैल्यू के लिए भी चेक हुआ, दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पर चेकिंग हुई। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि चलिए वैल्यू तो हमें सेम मिल गई लेकिन यहाँ पर टाइप सेम नहीं है। एक का टाइप क्या है, इंटीजर, या कहना चाहिए नंबर, जावास्क्रिप्ट की टर्म्स बात करें तो नंबर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में इंटीजर तो होता नहीं, जावास्क्रिप्ट में नंबर होता है, तो टू जो है वो नंबर है, और जो हमने स्ट्रिंग के अंदर टू डाला है वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग टाइप है। तो दोनों की टाइप चेक हुई और टाइप चेक होने के बाद पता चला नहीं नहीं भाई टाइप तो सेम नहीं है, तो वहां पर क्या रिटर्न हुआ, फॉल्स रिटर्न हुआ। तो इस तरीके से ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू काम करते हैं। तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रू थी और ये फॉल्सी वैल्यूज क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रू दी और फॉल्सी वैल्यूज क्या होती है। अच्छा, सपोज कि मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ए इक्वल टू टू, और मैं कहता हूँ कि सिंपल इफ ए इक्वल टू टू, अगर भाई टू के इक्वल है तो आप कॉन्सोल डॉट लॉग कर दीजिए कि यस इक्वल, और अगर नहीं है तो हमें तो पता है एल्स में हमें क्या करना है, नो नॉट इक्वल, सिंपल, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। अच्छा स्ट्रिंग, ओके, अब इसको हम क्या करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो इस कोड को हमने किया रन, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और फिर इसको हम करते हैं रन, और ये हमने रन किया, आप देख सकते हैं येस इक्वल, ऑब्वियसली ए एक तो है बी टू के इक्वल। लेकिन अगर क्या हो कि इस इफ ब्लॉक में, बेसिकली इस इफ के जो ये पैरामीटर्स है इसमें मैं क्या करूँ कि मैं कुछ पास ही ना करूँ, मैं कोई चेक पास करूँ ही ना, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि इफ, तो कॉन्सोल लॉक कर दीजिए। अब यहाँ पर ये किसी से चेक कर नहीं रहा है, कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई है नहीं, कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हो नहीं है, नहीं हो रही है, हमें पता नहीं है। लेकिन हमने इसको क्या किया, रन किया, आप देख सकते हैं इक्वल अभी भी आ रहा है, जबकि इस इफ में तो हमने कोई कंडीशन पास की ही नहीं, लेकिन वो फिर भी क्या चला रहा है, इस इक्वल वाले ब्लॉक को ही रन कर देता है और इक्वली रिटर्न कर देता है कि हाँ इक्वल है ये तो, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, यही तो कारण है, और इसीलिए तो हमें समझना है कि ट्रू दी और फॉल्सी वैल्यूज क्या होती है। बेसिकली हो क्या रहा है, जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल को अगर आप एक नंबर या एक फील्ड स्ट्रिंग से डिक्लेयर करते हैं तो वहां पर वैल्यू उसकी सेट हो जाती है बूलियन में क्या, ट्रू, और वो वैल्यूज को ही हम कहते हैं ट्रू दी वैल्यूज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पर सेट हो चुकी होगी ट्रू, राइट। इसलिए वो हमेशा क्या आएगी, ये ए जब भी हम इफ में पास करते हैं तो ये हमेशा रिटर्न करता है ट्रू, और जैसे ही ये ट्रू रिटर्न करेगा तो आपको पता है अगर इफ में कोई ट्रू कंडीशन होती है तो इफ ब्लॉक चल जाता है, राइट। तो इस तरीके से क्या किया कि हमने सिर्फ ए पास किया इसलिए भी वो इक्वल ही चला रहा है, इसलिए वो इक्वल ही रिटर्न कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चीज़ करेंगे, मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूंगा, ठीक है, और इस फंक्शन का नाम हम रखेंगे टेस्ट ट्रू दी फॉल्सी, ट्रस्ट फॉल्सी, कि भाई कौन सा फंक्शन, कौन सी एलिमेंट है, कौन सी जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वो एलिमेंट जो है हमारा वो ट्रू है या फॉल्स है, वो हमें ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब वो वैल्यू ट्रू दी है या फॉल्सी। तो यहाँ पर हम एक वैल पास करेंगे, बेसिकली हमारी वैल्यू, और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे कि अगर वैल क्या है, ट्रू है, अगर हमसे यहां पर रिटर्न हुआ है ट्रू, राइट। ये फंक्शन है बेसिकली हमारे पास, क्या फंक्शन, रिटर्न ट्रू दी फॉल्सी वैल्यू, मैंने लिखा कि रिटर्न वैल, अगर ये क्या हुआ ट्रू हो जाता है तो कॉन्सोल लॉक कर देंगे हम ट्रू, नहीं तो हम कॉन्सोल लॉक कर देंगे फॉल्सी, ठीक है, ट्रू दी या फिर फॉल्सी। एक बहुत छोटा सा सिंपल सा फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन के लिए ये रिटर्न में हटा देता हूँ, टेस्ट लिख देता हूँ, इसको टेस्ट टू दी फॉल्स लिख देते हैं, टेस्ट टू दी फॉल्स, हो गया टेस्ट, टेस्ट टू दी फॉल्स। अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक एक करके हमारी वैल्यूज पास करेंगे जिनके लिए भी हमें चेक करना है, और हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वैल्यूज हमें फॉल्सी मिलती है और कौन सी वैल्यू हमें ट्रू दी मिलती है। तो हम एक काम करते हैं, हम ओपन बोर्ड में एक चार्ट बना लेते हैं। तो ये हमने हमारा ओपन बोर्ड ओपन किया, यहाँ से हम गए और यहाँ आ गए ओपन बोर्ड में, ये सब मैं कर देता हूँ क्लियर,
और यहाँ से हम क्या करते हैं कि लेट्स जस्ट मेक वन कॉलम, ठीक है। तो ये हम गए, एक ब्लैक लाइन ले ली और यहाँ हमने खींच दी लाइन, ग्रीन कलर से ट्रूदी को लिखेंगे, रेड कलर से फॉल्सी को लिखेंगे, फॉल्सी वैल्यूज। तो यहाँ आपकी ट्रूदी वैल्यूज आएंगी, यहाँ आपकी फॉल्सी वैल्यूज आएंगी। तो इस तरीके से हम काम करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम टेस्ट करते हैं चीज़ों को। हमें टेस्ट क्या क्या करना है, सबसे पहले हम कुछ कुछ एलिमेंट्स हम पास करते जाएंगे और उनके लिए हम हमारा चार्ट फिल करते जाएंगे। तो चलिए टेस्ट ट्रूदी फॉल्सी को मैं कॉल करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कॉल करता हूँ हमारी फॉल्स वैल्यू के लिए। ऑब्वियसली हमने इसको किसके लिए कॉल किया हुआ है, फॉल्स के लिए कॉल किया हुआ है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न हमें करेगा फॉल्सी की, रिटर्न करेगा फॉल्स के लिए, तो फॉल्सी आती है वाली, तो इसने हमको फॉल्स ही रिटर्न कर दिया। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, है ना, ये वैसे लिखने की ज़रूरत है नहीं पर फिर भी हम लिख देते हैं। तो हम यहाँ कर देते हैं कि फॉल्स जो है, फॉल्स वो फॉल्सी वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट हम पास करते हैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करी, राइट, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई आपकी। और इस एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए अब हम कोड रन करके देखते हैं। तो हमने रन कोड किया, सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं थी, इसमें हमने स्पेस लगा दिया था। ओके, ये हुई एम्प्टी स्ट्रिंग, इसको हमने रन कोड किया। अब आप देख सकते हैं फॉल्सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं बात करूँ किसकी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग की, वो भी हमें रिटर्न करता है क्या, फॉल्सी रिटर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट काम हम करने वाले हैं किसके लिए, नेक्स्ट काम हम करने वाले हैं हमारे ज़ीरो के लिए, नंबर ज़ीरो। तो हमने ज़ीरो पास किया, ज़ीरो करके इसको रन किया, फॉल्स ही रिटर्न हो गया, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फॉल्स 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 बार बार आ जा रहा है। रन करते हैं ज़ीरो के लिए, इट्स फॉल्स ही। तो चलिए ओपन बोर्ड पे चलते हैं, ज़ीरो के लिए भी इसको क्या लिख देते हैं, फॉल्स ही कर देते हैं। एक चीज़ और, आप इसको माइनस करें प्लस करें कुछ भी कर लें, ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहना है। तो अगर आप यहाँ पे माइनस ज़ीरो भी पास करते हैं तो वो भी फॉल्स ही आएगा, ठीक है। और अगर आप इसको प्लस ज़ीरो भी पास करते हैं तो वो भी फॉल्स ही आएगा, ठीक है, फॉल्स ही, ठीक है। तो इस तरीके से ज़ीरो जैसे भी आप पास करें वो आपको हमेशा फॉल्स ही मिलेगा। ज़ीरो के अलावा अगर मैं कोई और नंबर पास करने की अब कोशिश करूँ, फोर पास कर दिया मैंने, फोर के लिए क्या वैल्यू होती होगी, फोर्थ के लिए आती है ट्रूदी। आप कोई भी और नंबर पास करें, राइट, अगर आप इसको माइनस में भी पास करें किसी नंबर को, तो वो भी आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रूदी। तो हमें हमारा पहला एलिमेंट फॉर ट्रूदी मिल चुका है कि नंबर, ग्रीन से लिखना था ना, ग्रीन से लिख देते हैं, चलिए नंबर अदर देन ज़ीरो, जो नंबर ज़ीरो नहीं है वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ट्रूदी मिलेगा। ओके जी, तो ये हमको हमारी पहली ट्रूदी वैल्यू मिल गई। तो फॉल्स, एम्प्टी स्ट्रिंग, ज़ीरो, ये सब फॉल्सी फॉल्सी मिलते रहे। चलिए अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है वो हम करते हैं। तो अब हम क्या पास करें और हमारे पास क्या एलिमेंट्स होते हैं, नल पास करके देखते हैं। नल फॉल्सी मतलब नल की वैल्यू क्या होती है, फॉल्सी। तो हमें हमारी फॉल्सी में एक और कैंडिडेट मिल चुका है जो कि है नल, ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स ही रिटर्न करता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट काम हम कर लेते हैं, है ना, इजी ही काम है, बस पास करके हमको वैल्यूज चेक करनी है, एक चार्ट बनाना है जिससे हमें आइडिया हो जाए कि कौन सी वैल्यूज फॉल्स ही हैं, कौन सी वैल्यूज ट्रू दी हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज़, हम नॉट नंबर पास कर देते हैं, एन ए एन, इसको भी पास करके रन किया, इसको क्लियर किया, आउटपुट को सही से देखा, फॉल्स ही। तो फॉल्स ही वैल्यू है ये भी, चलिए नॉट अ नंबर, आप भी फॉल्सी हैं। और क्या चीज़ें डाल के देख सकते हैं हम यहाँ पे, इसमें इनपुट इनपुट और क्या दे दें, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर के बाद बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं शायद जो हमें फॉल्सी आती है। ओके, अनडिफाइंड भी है हमारे पास, अनडिफाइंड को भी तो रन करके देख लेते हैं, ये भी हमें फॉल्सी मिलती है। तो हमें एक और चीज़ क्या मिल गई, अनडिफाइंड, ये भी हमें मिल गई फॉल्सी। तो एक्चुअली अब अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी फॉल्सी वैल्यूज़ का कोटा भर चुका है, हमारी फॉल्सी वैल्यूज़ इतनी ही हैं, राइट। ये सारी वैल्यूज़ को जब आप चेक करेंगे, है ना, ट्रू ट्रू दी या फॉल्सी के लिए, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको रिटर्न करेगी फॉल्सी। अब हम देखते हैं हमारी ट्रू दी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। तो अगर आप यहाँ पर जाएँ और यहाँ पर जाके आप एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करें, ऑब्जेक्ट, राइट,
एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आपको हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू दी रिटर्न करेगा, दिस वैल्यू इज ट्रू दी। सो ऑब्जेक्ट ग्रीन से लिखना था भाई इसको, ऑब्जेक्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट राइट क्या रिटर्न करेंगे, ट्रू दी। सिमिलरली अब आपको मैं चेक करके दिखा नहीं रहा, आप देख ही सकते हैं एरे एम्प्टी एरे ठीक है, ये सब भी आपको क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू दी। अगर आप फंक्शन ही पास कर दे तो फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, ट्रू दी होता है एक फंक्शन। और अब हम क्या बात कर रहे हैं, वेरिएबल, किसी वेरिएबल को आपने डिफाइन किया है ना एक नंबर से या फिर एक फिल्ड स्ट्रिंग से, नॉट एन एम्प्टी स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी फिल्ड होनी चाहिए, थोड़ी सी क्या मतलब फिल्ड होनी चाहिए, तो वो भी आपको क्या रिटर्न करेगी, ट्रू दी राइट। इस तरीके से आपके पास ये सारे ट्रू दी एलिमेंट्स होते हैं और ये आपके पास में क्या होते हैं, फॉल्सी। अब आपको एक चीज़ मुझे आंसर करनी होगी कि अगर मैं यहाँ जाऊँ, जिस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट कैसे हम बनाते हैं वो पढ़ा ही होगा, तो न्यू बूलियन और यहां पर मैं फॉल्स पास करूं, अब आपको क्या लगता है ये क्या रिटर्न करेगा, ध्यान से सोचिए ये क्या है, हम बना क्या रहे हैं। नो मैटर हमने इसमें फॉल्स या ट्रू पास किया है, इट डजेंट मैटर, हम बना क्या रहे हैं, हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट, फॉर अ न्यू ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न होना चाहिए, क्या रिटर्न होना चाहिए, क्या रिटर्न होना चाहिए, ऑफकोर्स ट्रू दी रिटर्न होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाए या हमने क्या किया एक नया एरे बना लिया या आपने कुछ एक न्यू कुछ भी एक नई चीज़ बनाई राइट, नया स्ट्रिंग बनाया, नया एरे बनाया, नया बूलियन बनाया या अपने तरीके से नया कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो भी जब आप टेस्ट करेंगे ट्रू दी फॉल्सी के लिए तो हमेशा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू दी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये सारे की सारी जो वैल्यूज थी हमारे पास, ये सब हो गई आपकी फॉल्सी वैल्यूज, और इनके अलावा अगर आप कुछ भी पास करते हैं तो वो आपको हमेशा क्या मिलेंगी, ट्रू दी वैल्यूज मिलेंगी। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था हमारी ट्रू दी एंड फॉल्सी वैल्यूज, और हमने क्या देखा कि हम किस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू के लिए। अब हमारे पास आपके लिए एक सवाल है, वो सवाल आपको सॉल्व करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दिस ट्रू दी एंड फॉल्सी। तो वो सवाल अब मैं आपके लिए अटैच करके लाता हूँ। अब आप ध्यान से इस कोड को देखिए और इस कोड को देखने के बाद आपको सारी की सारी रिसोर्सेज दे दी गई हैं कि कैसे आपको ट्रू दी और कैसे आपको फॉल्सी वैल्यूज पता करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड और ऑपरेटर्स, इफ एल स्टेटमेंट्स का काफ़ी यूज हुआ है। तो लाइन बाय लाइन आपको चीज़ें चेक करनी होंगी, जहाँ पर वैल्यू सेटिस्फाइड होंगी वो वाले कोड आपका चलेगा और जहाँ वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगी वो नहीं चलेगा, और इस बेसिस पर आपको बताना है कि आउटपुट क्या होगा। तो रिसोर्सेज आपके पास हैं, ट्रू दी फॉल्सी आपको पता है, एंड और ऑपरेटर आपको आता है, इफ एल स्टेटमेंट भी आपको आता है। तो इस कोड को आपको रन करना है। हाँ, बेसिकली यहाँ पर एक फंक्शन है जो क्या है, इफ़ी है। इफ़ी भी आपको पता ही होगा कि जो इमिडिएटली इन्वोक हो जाता है राइट। तो ये फंक्शन को इन्वोक करिए, इन्वोक तो हो ही गया ये, इसको आप हमें ड्राई रन करके इसका आउटपुट कमेंट सेक्शन में बताइए। जिसका आंसर सही होगा हमारी वही बात है, आपको मिलेगा पिप कोडिंग की तरफ से एक बहुत बड़ा लाइक। तो जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट डाउन करिए, आंसर हमें कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने पेयर्स में, और देखते रहिए पिप कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।